हाय फ्रेंड्स, हेलो। आप लोग कैसे हैं? आई होप गाइस आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम जो एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, अपर बॉडी एक्सरसाइज है गाइस, 5 मिनट है टोटल। इसमें मैंने न्यू एंड बेस्ट एक्सरसाइज रखी हैं टोटल। इसमें आपको एक डंबल की आवश्यकता होगी, डंबल वर्कआउट है, न्यू वर्कआउट है। हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट बैक रॉ से। बैक रॉ से हम 45 मिनट सेकेंड्स ऑन रखेंगे, 5 एंड 10 सेकेंड रेस्ट। स्टार्टिंग में मैंने थोड़ा सा स्लो बताया है आपको, फिर मैंने इसको एक लेवल पे ले गई हूँ, बेसिक मीडियम फिर एडवांस। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा, चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करते रहिएगा गाइस, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर भी करिएगा। इसमें मैंने आपको जैसे ही बताया, थोड़ा डिफरेंट है, मैंने क्योंकि बैक रॉ जो होता है बेसिकली आप फुल स्टैंडिंग या हाफ स्टैंडिंग से होता है, प्लिनिंग होता है, बट मैंने इसमें हाफ फ्रंट फॉरवर्ड करके किया है। जो आपके शोल्डर और हैंड के लिए बेस्ट एक्सरसाइज है, एनएस्ट है शोल्डर प्रेस। शोल्डर प्रेस भी मैंने एक ही चंबल को दोनों हाथों से लेके लेफ्ट एंड राइट करते हुए इस एक्सरसाइज को किया है। इसको आप बहुत ही केयरफुली करेंगे, अपने डंबल को अच्छे से अपने हाथ में होल्ड पकड़ के रखेंगे, बिल्कुल भी इधर उधर डिस्ट्रैक्ट नहीं करेंगे अपने माइंड को। शोल्डर एंड बैक, आपकी जो पीठ है और आपके जो कंधे हैं उनके लिए बेस्ट एक्सरसाइज है। आपके जो स्ट्रक्चर भी है या पेन है बोलो, या जो आपकी बॉडी स्ट्रक्चर है अगर आगे की तरफ झुकी हुई है, तो उसके लिए ये बहुत ही बेस्ट एक्सरसाइजेस है। एंड नेक्स्ट है चेस्ट प्रेस। चेस्ट प्रेस मैंने भी बहुत सारी अपनी वीडियो में पहले भी बताया है, अगर आपके बूब्स लिफ्ट के लिए और साइज वगैरह के लिए और मसल्स स्ट्रॉन्ग करने के लिए, मसल बिल्डअप करने के लिए चेस्ट की ये बेस्ट एक्सरसाइज है। आपको देख रहे हैं मैंने जो एक्सरसाइज करने का बेस्ट तरीका है, अपने जो पीठ का पार्ट होता है ना उसको, उसमें गैप होना चाहिए। आपका जो पीछे का होता है कंधे से वो आपको टच होनी चाहिए मैट में, आपके हिप से टच होना चाहिए, बीच में होता है जो पार्ट वो आपका उठा होना चाहिए। इस तरह से आप अपने बॉडी को मैट पे रखें कि जो इसे बीच में हो वो उठा हो। जैसे आप इधर उधर हो अपने बॉडी को सेट कर लें, जिसे मैंने अभी किया है। एंड नेक्स्ट है ट्राइसेप एक्सटेंशन। इसमें भी आप एक ही डंबल से करेंगे, इसमें भी आप हाफ स्टैंडिंग होंगे बॉडी की। मैंने इसको साइड से भी बैक से भी दोनों तरफ से करके दिखाया है। मेरी तरह आप बिल्कुल भी इस तरह से ना बॉडी को मूव करें, आप आराम से मूव कर सकते हैं। बैक के लिए बेस्ट एक्सरसाइज है गाइस, अपर बॉडी पार्ट्स की मैंने आज करना बताया उसके लिए। एंड नेक्स्ट है कल डॉक्टर्स। आप पहले स्टार्टिंग में दोनों डंबल को जैसे मैंने देखा है अपने हाथ में लेके, फिर अपने शोल्डर पे लाएंगे, फिर अपर प्रेस करेंगे। फाइव मिनट की एक्सरसाइज है गाइस, लेकिन आपके अपर बॉडी के लिए बेस्ट एक्सरसाइज है। चाहे आपकी शोल्डर में फैट्स हों, शोल्डर फैट्स हों, बैक फैट्स हों,
या आपके हैंड की मसल बिल्डअप करना हो, सबके लिए सारे एक्सरसाइज बेस्ट एक्सरसाइज है, न्यू एक्सरसाइज है। आई होप गाइज आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।